स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। जो वीडियो है इम्पोर्टेंट है दो प्रकार के बच्चों के लिए, एक बच्चे जो लेफ्ट ओवर कैटेगरी में है और एक बच्चे जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लेफ्ट ओवर और सप्लीमेंट्री में डिफरेंसेस क्या है। तो लेफ्ट ओवर वो बच्चे होते हैं जिनका प्रोफाइल क्रिएशन या फिर जो हॉल टिकट एलिजिबिलिटी का क्रिएशन होता है, आसान शब्दों में कहा जाए तो जिनकी अटेंडेंस अपलोड होना या फिर प्रैक्टिकल का नंबर, प्रैक्टिकल का नहीं सेशनल का नंबर अपलोड होना या एग्ज़ाम फीस अपलोड होना छूट गया होता है, तो उनको लेफ्ट ओवर कहते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिनका हॉल टिकट एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं हुआ परीक्षा के समय पर, उनको लेफ्ट ओवर कहते हैं। और सप्लीमेंट्री वो बच्चे होते हैं जिनका सब कुछ ओके होता है, एडमिट कार्ड भी आ जाता है और किसी वजह से वो परीक्षा छूट जाती है, लेट पहुंचते हैं या फिर उन्हें पता नहीं चलता टाइम टेबल का, कंफ्यूजन में छूट गया या फिर पेपर दिए हैं तब भी फेल हो गए हो। तो दो प्रकार के बच्चों की परीक्षा दिसंबर में होने जा रही है। टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, समय आ गया है फीस जमा करने के लिए। आप एक्टिव हो जाओ क्योंकि यही समय होता है जो आप पिछली बार गलती किए रहे होंगे बहुत से बच्चे, जिसकी वजह से उनकी परीक्षा नहीं हो पाई। तो ध्यान रखें, लेफ्ट ओवर मतलब जिनको मौका ही नहीं मिला परीक्षा देने का, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, ठीक है, जिनका प्रवेश पत्र हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जो भी कहिए आप आया ही नहीं, वो लेफ्ट ओवर वाले बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच अपने कॉलेज पर अपना नंबर अपलोड करवा सकते हैं। कौन सा? सेशनल का नंबर, अपनी अटेंडेंस वहां पर अपलोड करवा सकते हैं और फीस जमा करवा सकते हैं। ये सब होने के बाद आप परीक्षा दे पाओगे, ठीक है, प्रैक्टिकल और सीबीटी दोनों। तो ये हो गया, आईटीआई के थ्रू होगा, लेकिन फी वगैरह का जो प्रोसेस है वो कैंडिडेट को फीस जमा करनी पड़ती है कॉलेज को, कॉलेज फिर आगे एमआईएस पोर्टल है जहाँ पर फीस जमा होगी वहाँ करेगा। तो ध्यान रखें, 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर लिखा है, तो आप 19, 20, 21, 22 तक अपना ये काम निपटा लें। अगर कॉलेज एडवांस में फीस लेकर रख रहा है तो आप एडवांस में दे दें, प्लस जब ये पोर्टल खुले तो एक बार कॉलेज से पूछ भी लेंगे, सर मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। 31 अक्टूबर का इंतजार ना करें। कौन से बच्चे? लेफ्ट ओवर। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री मतलब आपका एडमिट कार्ड तो आया था, किसी वजह से आप परीक्षा नहीं दे पाए या फिर किसी एक सब्जेक्ट का पेपर दे पाए एक छूट गया, या फिर आपने पेपर दिया और आप फेल हो गए। तो ऐसे केस में आप सप्लीमेंट्री यानी बैक पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं और बैक पेपर की जो फीस है वो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच भरी जाएगी, ठीक है, वो प्रैक्टिकल का बैक हो या फिर आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की बैक हो, एम्प्लॉयबिलिटी की थ्योरी वगैरह की, ठीक है, दोनों के लिए मौके मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि आप अभी अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, अगर वो एडवांस फीस रख रहा है, जमा कर रहा है, तो आप अभी जमा कर सकते हैं, या फिर 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच ही आप अपना काम करवा लें। क्योंकि 10 का इंतजार करने में क्या होता है, कई बार कॉलेज सारा काम कर लेता है तो एक बच्चे के लिए वो सोचता है चलो बाद में करेंगे बाद में, और छूट जाता है, या फिर कई बार लास्ट में फीस नहीं, पोर्टल सही से काम नहीं करता है, तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें। दोनों बच्चे ध्यान रखें, जिनको मौका ही नहीं मिला परीक्षा देने का, जिनका एडमिट कार्ड ही नहीं जनरेट हुआ, एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र ही नहीं आया, वो लोग भाई 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना पूरा काम करवा सकते हैं। उसके अलावा जिनका बैक है वो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच करवा सकते हैं। तो आप 19 वाले जो है ना, 19 तारीख जो मैं बता रहा हूँ, तो आप शुरू में ही 2-4 दिन में अपना काम करवा लें। टाइम टेबल की बात करें तो जो परीक्षाएं हैं प्रैक्टिकल में जिसका बैक पेपर है और ड्राइंग पुराने पैटर्न वाला जो लिखित पेपर होते थे, तो वो 1 से 6 दिसंबर के बीच होंगे और किसी का 1 को होगा, 2 को होगा, 4 को, 6 को, इस प्रकार से टाइम टेबल है। और जो ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं उसका टाइम टेबल है 10 दिसंबर से शुरू होंगी, किसी का 10 को होगा, किसी 11 का, किसी का 12 को, 14 को, इस तरह से होता रहता है। और जो रिजल्ट है वो 26 दिसंबर तक सभी का आएगा। तो ये है, उसके नीचे अलग से भी टाइम टेबल है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया था। देखिए 1 तारीख को है प्रैक्टिकल की परीक्षा, ड्राइंग की परीक्षा, देखिए ड्राइंग लिखा हुआ है, ड्राइंग लिखा हुआ है, तो 1 को ड्राइंग की है, सुबह फर्स्ट ईयर वालों की है और दोपहर में सेकेंड ईयर वालों का है, और 2 से 2 और 2 से 4 तक इधर देखेंगे तो प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर वालों का, सेकेंड ईयर का 5 और 6 को प्रैक्टिकल है, ये देख पा रहे होंगे, सभी ट्रेड के लिए, ठीक है, ऑल ट्रेड। कंफ्यूज नहीं होना, पूरे भारत के लिए शेड्यूल है, एक्टिव रहिए, अपने कॉलेज पर बैक पेपर फीस जमा जरूर करिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही एक बार फिर से आपको इसी कैटेगरी में लाकर खड़ा करेगी, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा, है ना, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, एग्जाम एक बार हो गया फिर अगली बार कब होगा कोई नहीं बता सकता। तो मौका है आपके पास, फीस कॉलेज से कांटेक्ट करके फीस वगैरह का ये जो अप्रूवल वगैरह प्रोसेस है ये जरूर कंप्लीट करवा लें। अब आप कहेंगे तो मेरा काम नहीं है, तो आपका काम अप्रूवल करना नहीं है,
लेकिन टाइम पर आप कॉलेज को जरूर रिमाइंड करा सकते हैं कि सर मुझे बैक देना है, मेरा इस सब्जेक्ट में बैक है, बैक पेपर फीस क्या है वो मैं जमा कर देता हूँ, और फीस जमा करके बैठ भी नहीं जाना है। जब ये पोर्टल का डेट नोट कर लीजिए अच्छे से, इस डेट पर अपने कॉलेज से दोबारा पूछ लेना है सर क्या हुआ, मेरा फीस जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, ठीक है, रिमाइंड कराने की बात एक तरह से। तो ये चीज़ें एक्टिव होना ज़रूरी है, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका लगभग 9-10 अक्टूबर हो गए हैं, तो समय आपके पास कम है, और कोई भी आपका दोस्त हो, है ना, आप पास हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो परेशान हो, उसका बैक हो, छूट गया हो पेपर, तो ऐसे सभी बच्चे इसी समय जो है अपना प्रोसेस करवा लें। बाकी आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी, साथ में परीक्षा की तैयारी, सब कुछ आपको एक चैनल ग्लोबल आईटीआई पर आसानी से मुहैया हो जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन बात नहीं है। बाकी अगर आप पूरा बेसिक से क्लासेस लेना चाहते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस, थोड़ी सी फीस खर्च करना चाहते हैं, अगर कर सकते हैं, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप भी है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, उसी तरह से आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटीआई आप छोटी फीस देकर अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं, और बैक पेपर के लिए पुरानी जो प्लेलिस्ट बनी है इसी से आप पढ़ के पास हो सकते हैं, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि आप बैक पेपर के लिए अलग से मैं क्या पढ़ूँ, कुछ नहीं, 2023 में जो परीक्षा हुई है उसकी पूरी तैयारी कराई गई थी, तो उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसको पढ़िए, आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आपको एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर में अगर किसी की बैक है, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर की ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए जो 2023 में लिखा हुआ ना, आईटी एग्जाम 2023, तो यहाँ आप इसको पढ़ लीजिए, 15-20 वीडियोज़ हैं, आराम से आप पास हो सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए। और फिर से किसी के पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत से बच्चे पीडीएफ के इतने शौकीन होते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है ना, क्लास, जैसे मैं बहुत से बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे हैं अभी उतना मेच्योर नहीं होते हैं, तो उनसे एक ऑब्सेशन टाइप का होता है कि पीडीएफ पीडीएफ, वो पीडीएफ बहुत तलाश करते हैं, तो पीडीएफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आंसर की गलत होते हैं, क्वेश्चंस गलत होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है, मैंने कह रहा 100% होता है, लेकिन हो सकता है जो गलत गलत चीज़ें आप पढ़ रहे हो पीडीएफ में, तो कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करता, तो लिखी हुई चीज़ है, तो आप गलत सही दोनों पढ़ सकते हो, दुनिया भर की वेबसाइट है, ढेर सारा पीडीएफ है, क्या गारंटी किसका सही है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ वीडियो लेक्चर से पढ़िए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उसमें भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसमें जो रेशियो होता है बहुत कम होता है, दशमलव में वो रेशियो होता है गलती होने का, लेकिन पीडीएफ में वो कई % गलत होने का चांस है। तो इसलिए कभी भी पीडीएफ के भरोसे ना रहें, किसी के बहकावे में ना आए, ढेर सारे पीडीएफ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं, तो पीडीएफ बटोर के उनके चक्कर में पड़ेंगे, तो एक बार आपके साथ धोखा हुआ, आप फेल हो चुके हैं, दोबारा वो धोखा हो सकता है, तो उन चीज़ों से आपको बचना है, लेक्चर्स पर फोकस कीजिए, वीडियो लेक्चर्स पढ़िए आप, ठीक है। कभी भी कोई भी तैयारी करना हो पीडीएफ के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले 2-3 वर्षों से बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बाकी जीरो टू हीरो वगैरह की जो सीरीज कराई गई थी अभी 2023 में 2-3 महीने पहले, उनको भी देख लीजिएगा, गारंटी नहीं रहेगी कि 100% क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बहुत से % मतलब मैक्सिमम परसेंटेज रहेगा, बहुत से क्वेश्चंस आपके मैच करेंगे, तो ध्यान रखिएगा 2023 में जो भी लेक्चर्स कराए गए हैं अपने ट्रेड और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उन्हीं प्लेलिस्ट को आप पढ़ सकते हैं, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट हो, या फिर फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, सब यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। फिटर फर्स्ट ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन कराए गए हैं, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के मॉडल सेट भी कराए गए हैं, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर का भी कराया गया है, तीन चीज़ों को आप पढ़िए, जिनके भी बैक है ना, आप आराम से, अभी आपके पास समय भी है 1 से 2 महीने का लगभग, तो आप अक्टूबर और नवंबर में, 2 महीने तो नहीं कह सकते, 1 महीने+ है, तो इतने में आप अच्छी तैयारी भी कर सकते हो, करना चाहते हो तो, बाकी नहीं, जो नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ध्यान रखिएगा स्पेशली इस टाइम टेबल का, इस टाइम पर अपने कॉलेज से संपर्क करें और अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाएं, और कहीं कॉलेज में एडवांस फीस जमा कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले से ही आप कर लें फीस जमा, टेंशन फ्री रहोगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।